इसमें चलो ये भी घर में आपको दिखा, हमारा पुराना घर था। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कोमल के सफर पे। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे रहोगे। सो गाइस आज का ब्लॉग तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी नानी से मिलने, और नानी से मिलने के लिए कौन नहीं एक्साइटेड होता है, सब होते हैं यार, क्योंकि नानी हमें पता नहीं क्यों नानी का घर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आज सुबह आई बाहर से, मतलब दोस्त पापा के जो दोस्त हैं उनके घर से आज आई मैं, तो थोड़ा भी आराम नहीं की। फिर हम लोग अभी पापा बोले कि 11 बजे हम चलेंगे नानी के घर, तो 11 बज के गया, 11:30 बज रहा है, लेकिन अभी थोड़ा मेरा फ़ोन चार्ज नहीं, वो चार्ज करूँगी फिर हम निकलेंगे। तो गाइस चलते हैं। गाइस आप जो ये बगीचा देख रहे हो ये हमारा है, और ये जो दुकान है ये मेरे पापा का दुकान था, अभी पापा नहीं है तो दुकान भी बंद है, और ये हमारा नहर है गांव का। दोस्तों हम लोग जा रहे थे तभी मेरा समोसा खाने का मन किया, फिर मैं समोसे के दुकान पे आ गई। अंकल समोसा गरम है दे दो। गाइस जब मैं उधर का समोसा टेस्ट की ना, क्या समोसा था यार, इतना अच्छा था कि मैंने दो दो तीन तीन समोसा खाया। सो गाइज ये हमारे इधर एक थाना गद्दी है, उधर का बाजार है ये। सो फ्रेंड्स मैं कब से सोच रही थी कि मैं नानी के लिए क्या लेके जाऊँ, फिर मुझे याद आया कि नानी एप्पल फल फ्रूट बहुत मन से खाती है, तो मैं नानी के लिए एप्पल ले ली। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं मिठाई की दुकान पे। गाइज हम लोग मिठाई की दुकान पे गए तो मुझे गुलाब जामुन लेने का मन था तो मैंने वो ले लिया। दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले हमें इतना ध्यान से क्यों देखते हैं, आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना। गाइस पापा को पान बहुत पसंद है तो वो पान लेने चले गए। एंड गाइस ये मेरे नानी की इधर का पूल है, बहुत फेमस है ये, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। गाइस ये जो पोखरा देख रहे हो, ये स्कूल देख रहे हो, यहाँ पर मैं पहले नाना की इधर 2-3 महीने के लिए गई थी, तो यहाँ पर मैं पढ़ने आती थी। सो गाइज आ गई हूँ मैं नानी के घर, और कब का आई थी, थोड़ा बात भी होने लगा हमारा, तो मैं किसी से आपको मिला नहीं पाई क्योंकि मैं 1-1.5 साल बाद आई हूँ गांव, तो नानी लोग का प्यार तो आपको पता ही है, इतना इमोशनल कर देता है कि कुछ लेने का मन नहीं करता। तो चलो मैं आपको अपनी नानी को दिखाती हूँ। तो गाइज ये है मेरी नानी का घर, और पापा आते ही हो गए, सो गए हैं, और अमन और ये मेरे बड़े मामा के लड़के अमन हिमांशु, और ये मेरे नाना है, नानी लपट नायक, ये मेरी बड़ी मामी है गाइस, और ये मेरी नानी। गाइस यहाँ पे ये देखो सांप निकला है, वो लोग फेंक रहे हैं, बापरे। गाइज यहाँ पे नानी मेरा ब्लॉग देख रही है। अमन तो बहुत बड़ा हो गया है पहले से, और हिमांशु भी। तो गाइज मैं आपको अपनी नानी का घर दिखाती हूँ। ये वाला घर मेरी छोटी मामी का है, मेरी बड़ी मामी का है, और ये बेसिंग, ये बाथरूम है, यहाँ से छत पे भी अंधेरा है, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। और गाइस ये बीच वाली मामी का घर है, वो अभी मुंबई में है, और ये पूजा वाला घर है, और ये किचन है, किचन में भी अभी ताला बंद है। एंड ये मेरी नानी का बक्सा, बहुत पुराना बक्सा है, इसे छोड़ के मेरी नानी जाना नहीं चाहती कहीं पर। गाइस मैं नानी को बोली कि नानी वीडियो बनाना है, तो नानी रेडी हो रही है, अब आ रही है। नहीं रेडी नहीं हुए, बिंदी गिर गया था, रेडी नहीं हुए। चला नानी, अब आज रहे कहती तो कहाँ कहाँ का दिन रख के आए हुए। खराब बच्ची राहत ना है। अरे कहां रहे,
खाई तो केलो मसाला छोड़ दे बाकी कुछ यूरिक एसिड बहुत तेज बढ़ा तो देखा पापा के दाल ना बनती आज माला कहनी है कि पापा के दाल मत दीहा बहुत तेज बढ़ा जौन दूधवा मुल्का ले ला ना ऊपर का मलैया डॉक्टर मना कैले चलो बाय सुना बेबी माई के जाया ना तो चुनरी उनका ले लिया अपने संगे जाया लेके ना चुनरी लेके चले दुकान ही बंद है हाँ चुनरी ले ले जाए मान सुना हो ना माता बहुत जागृत ले ले जाए अरे हम बिना उनके क्या कर अगर बस हो जाए कहीं चला नानी गाइस हम जैसे मार्केट में पहुंचे तो पापा बोले सब्जी ले लेते हैं शाम को सब्जी बनाना तो सब्जी लिया हमने। फिर मैं कब से समोसा खोज रही थी समोसा का दुकान मुझे कहीं नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरा समोसा बहुत खाने का मन कर रहा था। सो फ्रेंड्स मैं आ गई जस्ट अभी आई हूँ और मुझे आप लोग को अपना घर दिखाना है अच्छे से दिखाना है तो अभी शाम हो गई उतना क्लियर तो आएगा नहीं बट मैं कोशिश करूँगी अच्छे से दिख जाए सब कुछ क्योंकि मेरे पास कल परसों बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये सब हमारी गाय है ना लक्षू ये अपनी गाय है ना सब हाँ तो ये सब हमारी गाय है और ये जो है ये हमारा पहले पुराना घर था जो मैं आपको पिछले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ ये हमारा पुराना घर था जिसमें हम पहले रहते थे मम्मी मम्मी की जब शादी हुई थी तब मम्मी उसमें रहती थी और चलो हम ये हमारा नीम का पेड़ है तो गाइस ये रहा हमारा घर ये मेरा घर है नहीं मेरा घर है शट अप ये हमारा घर है तो चलो हम आपको पूरा अच्छे से दिखाते हैं। लक्षू इधर का लाइट जाओ चला के आओ बाहर का फटाक से जाओ ये मेरी भाभी की लड़की है बड़ी वाली। तो गाइस ये शांत रहो और ये हमारी गाड़ी है मेरी गाड़ी मतलब मेरे पापा की गाड़ी है ये और ये बड़े पापा की गाड़ी है तो ये जो है ये मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी ये हमारा घर है इसमें और वो जो कोठरी है वो मेरे बड़े पापा का है बाकी अंदर चलते हैं। गाइस इसको क्या बोलते हैं लक्षू इसको क्या बोलते हैं ये इस घर को बाउंड्री 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 तो उसको बोलते हैं। गाइस इसको मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं इसमें सब सामान रखे हुए हैं। शांत रहो ये अंगना है हमारा और गाइस ये रूम मम्मी पापा का है मेरे जो कि अभी बंद है मैंने ही बंद किया है और ये मेरी छोटी वाली भाभी का घर है और ये और वो घर दोनों मेरे बीच वाले बड़े पापा का है जो मुंबई आए थे इस घर में नहीं रहते उनका अलग मकान है। ये बाथरूम है और ये मेरी बड़ी भाभी का घर है बाकी शांत रहो सब लोग। ये बड़ी मम्मी का पूजा वाला रूम है ये उनका बाथरूम है ये मेरी बड़ी भाभी है गाइस और ये किचन एक ये किचन है एक उसमें किचन है। तो भी गाइस चूल्हे पे का खाना खाने का मजा ही अलग है। गाइस हम छत पे चलते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा छत इस पे बड़ी मम्मी गोरी डाली हुई है ये हमारा ये भी रूम है गेस्ट रूम है ये गाइस इसको अभी अच्छे से करना है थोड़ा बाकी ये हमारा छत है इसे भी ताला मम्मी पता नहीं कहाँ चाबी रख दिए इसे भी मुझे ओपन करना था पर क्या करूँ चाबी नहीं मिला। मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ इसमें सब सामान रखा है इधर और भी बनवाना है इधर सब जगह तो इसीलिए सामान रखे। गाइस ये रहा हमारा छत ये सब मेरे घर के बच्चे हैं मेरे घर में टोटल एक दर्जन बच्चे हैं टोटल 12 बच्चे हैं गाइस। चलो अब मैं आपको हम लोग का रूम दिखाती हूँ। तो गाइज अभी तक जितना मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना और अभी रूम और है हमारा रूम जो है
वो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं की हूँ, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पापा फ्रेश हो रहे हैं, हो जाएंगे फिर मैं उधर चलूंगी। बाकी ये सब मेरे घर के प्यारे बच्चे हैं। गाइस पता है मैं कब से मतलब सोच रही थी आपको दिखाने के लिए अपना घर, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। जब से 27 को मैं आई थी, आज 2 तारीख है, तब तक मैं बिजी थी, शादी में जा रही थी, फिर सब काम वाम, आज भी मैं बाहर थी, अब भी जस्ट आई घर पे, तो ऐसे सब में टाइम चला जा रहा था, मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। बट गाइस अभी मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी। तो गाइस ये हमारा हॉल है, इसमें भाई और पापा सब लोग रहते हैं, और ये हमारा बेडरूम है, इसमें मैं जोएल रहते हैं। अब की अभी जोएल आई नहीं है। बाकी ये ऐसे ही पापा बालकनी जैसा बनवा दिए हैं। हमारा किचन है, लाइट अभी इसमें नहीं लगा है, लग जाएगा तो मैं आपको और अच्छे से दिखा सकती हूँ। ये हमारा किचन है, और ये ऐसे ही आंगन जैसा बना है यहाँ पे भी। बाकी इधर का तो आप देखे ही हो, दिखाती हूँ आपको। ये पीछे का ऐसे ही, यहाँ पे सोच रहे हैं बाउंड्री बनाने के लिए, देखते हैं अभी बन पाता है कि नहीं। वो हमारा नल है, वो आपको मैं दिखा चुकी हूँ गाइज इसमें। चलो ये भी घर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज ये घर मम्मी पापा का है, ये मेरी मम्मी की शादी का सिंगरदानी बोलते हैं, आई थिंक, ये भी मुझे नहीं पता, वही बोलते हैं। और ये बक्सा है, मम्मी की शादी में उनको मिला था। बाकी वो दो बक्सा भी मम्मी की शादी का ही है। ये सब देखो गाइज, ये मेरा हर्ष है, हर्ष। चलो मैं आई थी ये बल्ब लेने, अभी हम वापस ताला लगा देते हैं। तो गाइस मैंने समोसा फिर ले लिया, क्योंकि मुझे गांव का समोसा इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बोलूं। सुबह से मेरा ये 3 मैंने होटल में खाया था, बाकी का एक अभी खाई, अभी 4 है, इसमें से 2 और खाऊंगी, 2 पापा के लिए रखूँगी। तो दोस्तों अभी बज रहा है 9, और आपको पता होगा कि गांव में लोग जल्दी खा के सो जाते हैं 9-10 बजे के आसपास, कितने लोग तो 8 बजे ही सो जाते हैं। तो 9 बज रहा है और मेरा खाना भी बन चुका है, बस अभी खाना है, और बहुत सारे काम है, किचन वगैरह सब गंदा हो गया है, सब साफ करना है, एंड हम लोग को सुबह निकलना भी है, कल हमें 2-3 जगह जाना है। तो गाइस कल का ब्लॉग तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, एंड गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, उतना कुछ मैंने शेयर नहीं किया बट अच्छा लगा होगा। एंड गाइस अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल।